स्वर्ग देगा वही रहेगा, जो खार के पत्थर धुआए देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। सारी खुशियाँ जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट लेगा वही रहेगा, और जो गम सारे जहां के समेट लेगा वही रहेगा, और शिकायतों को संभाल लेगा, शिकायतों को संभाल लेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा। बहुत बहुत आदर के साथ, मान के साथ मैं आदरणीय विजय जी को बुलाना चाहती हूँ। विजय जी पधारें और अपना का विपाठ करें। सभी श्रोताओं के प्रति मैंने यही आस्था रखते हुए प्रवेश की भूमिका से मेरे पास ये सौभाग्य है कि मैं उदयपुर के बारे में लिख नहीं पाया, लेकिन मेरी साहित्य की समझ इस धरती से ही प्रारंभ हुई है। मैं खुद मारवाड़ का रहने वाला हूँ, 2007 में उदयपुर आया था और उसके बाद ही मैं अपनी कविता पर आता हूँ और एक कविता मैं आपके साथ करता हूँ। एकांत ढूंढता हूँ तो मिलता नहीं, सोचता हूँ तो लगता है मैं किसी चौराहे पर खड़ा। एकांत ढूंढता हूँ तो मिलता नहीं, खोजता हूँ लगता है मैं किसी चौराहे पर हूँ। यह 21वीं सदी की बात है जहाँ दुनिया का दखल एक कफ की तरह आदमी में जमा है। आप चाहो तो सिरे से खारिज कर सकते हो मेरी बात को, लेकिन इतना दावा है मेरा, जब भी खोजोगे एकांत नहीं मिलेगा। आखिर आप मित्रों मेरी तरह दो आंखें दो कान एक नाक और मुंह में छिपाकर एक लंबी जबान रखते हो। मन की बात, अंतस की बात कह दी। बहुत बहुत साधुवाद दीजिए जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और अब मंच की तरफ बढ़ते हैं और मंच की तरफ हमारे सभी गुरु हैं, आदरणीय पल्लव साहब, जिनकी वाणी को सुनकर मेवाड़ की धरा पर जो बोझ और जो भाव, और कभी कभी ऐसे मार्मिक क्षण भी आ जाते हैं कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय पल्लव साहब को आमंत्रित करती हूं। आप बधाई, मंच आपका।